बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बताने जा रहे हैं करेले और प्याज की सब्जी। करेला और प्याज की सब्जी उन लोगों के लिए स्पेशल मैं शेयर कर रही हूँ जिनसे करेले कड़वे बनते हैं। तो रेसिपी को आप पूरा देखिएगा, इसमें टिप्स बहुत छोटी छोटी बड़ी अहम टिप्स बताई गई हैं जिनकी वजह से करेले कड़वे नहीं बनते। तो करेले हमने ले लिए हैं 600 ग्राम और उनको हम छिलका उतार लेंगे। आप बगैर छिलका उतारे भी बना सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं है छिलका उतारना, लेकिन मैं इस वक्त उतार रही हूँ। तो ये हमने छिलका पूरा उतार लिया और छिलके भी हमने फेंकने नहीं है, वो भी हमने ले लिए हैं। और अब हमने इनके बीज निकाल देने हैं करेले के। तो इस तरह से करके आप सारे करेले के बीज निकाल लें। तो अब काटना भी आपने अपनी मर्जी से है, जिस तरह से आप काटना चाहें। मैं इस तरह से छोटे छोटे पीस इसके काट लूंगी। और अब इसमें जो असल इसका कड़वाहट दूर करने की टिप है वो ये है कि आपने इसमें नमक डालना है, और 2 टेबलस्पून मैंने नमक डाला है। ये बहुत ज्यादा नमक है, लेकिन ये मैं आपको बताऊंगी कि क्यों ज्यादा डाला है और किस तरह ये बुरा हो सकता है। तो हमने इसको 2 घंटे रख देना है, और 2 घंटे रखने के बाद इसमें ये सॉफ्ट हो जाएंगे करेले और पानी छोड़ देंगे। ये आप देखिए पानी इसमें अच्छा खासा निकल रहा है। तो बेसिकली यही पानी है जो इसकी कड़वाहट है वो निकल रही है। इसी तरह छिलके का भी पानी निकाल लेंगे, कड़वाहट प्लस नमक, ये सारा इस पानी में आ चुका है। सारा नहीं, 50% आ चुका है, और बाकी जो 50% है उसको हम आगे जो प्रोसीजर करेंगे उससे ये बिल्कुल न्यू क्लीन और कड़वाहट और नमक से फ्री हो जाएंगे। तो ये आप देखिए पानी डाल के हमने अच्छी तरह इसको मसल लेना है हाथों से। 3 से 4 दफा ये प्रोसीजर करना है, 3 से 4 बार नया पानी डाल के उसको बहुत अच्छी तरह मल के, बहुत अच्छी तरह निचोड़ के आपने साफ करना है। इसी तरह तो इसकी कड़वाहट और नमक पूरा निकल चुका। और अब हमने आधा कप तेल लिया है, और आधे कप तेल में हमने 2 बड़ी साइज की प्याज डाली है। और प्याज को काटते हुए आपने ध्यान रखना है कि बहुत बारीक आपने काटनी है। और दूसरी तरफ हमने तेल ले लिया है, जैसे ही मीडियम गर्म हुआ है तो हमने उसमें फ्राई कर देना है। अब प्याज और करेले को हम सेम टाइम में फ्राई कर रहे हैं। प्याज को इधर हमने तेज आग नहीं रखनी, अगर आप तेज आग रखते हैं गोल्डन हमने बिल्कुल नहीं करनी प्याज, और अगर आप तेज आग रखते हैं तो ये बहुत जल्दी गोल्डन हो जाएगी। बेसिकली हमने इसको बहुत अच्छी तरह पका के सॉफ्ट करना है, पिंकिश करना है। तो आराम आराम से इसको पकने दें, आराम आराम से दूसरी साइड पे जब तक फ्राई होते हैं ये तब तक ये पकता रहेगा। और साथ ही हमने जैसे ही थोड़ी सी प्याज सौते हुई है तो 1 टीस्पून हमने डाल दिया है लहसुन का पेस्ट। इसको हम इतना पकाएंगे कि इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। और अब मैंने इसमें 6 अदद सब्ज मिर्ची और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, ये दोनों डाल दिया। शूट में कैमरा मुझे लग रहा था ऑन है, बट वो ऑफ था, तो इस वजह से शूट नहीं हो पाया ये सीन। तो 1 टीस्पून अदरक और 6 सब्ज मिर्ची मैंने डाली थी। और अब ये करेला हमारा फ्राई हो चुका है। आप चाहें तो इससे भी थोड़ा सा ज्यादा फ्राई कर सकती हैं, लेकिन इतना मैंने कर लिया वो बेस्ट है। अब इस स्टेज पे साथ जो हमने छिलके किए थे वो भी हमने डाल देने। अब बाकी की कुकिंग जो है वो इधर होगी। तेल मैंने इसलिए कम डाला था कि जब हम फ्राई करते हैं करेले तो यकीनन साथ ऑयल भी निकल आता है। अगर आपको लगे कम है तो आप और भी डाल सकते हैं इस स्टेज पे। तो ये अब हम इसको पकने देंगे। अब आप देखिए प्याज का बिल्कुल कलर नहीं चेंज हुआ, लेकिन ये सॉफ्ट हो चुकी है। क्रंची भी है थोड़ी, लेकिन अच्छी सॉफ्ट हो चुकी है, बट गोल्डन हमने नहीं करनी बिल्कुल भी। और अब इस स्टेज पे नमक हम और डालेंगे, क्योंकि नमक हमने बिल्कुल निकाल लिया था। आप पहले चेक कर ले, मैंने प्याज को पहले चेक कर लिया है खा के, तो आप भी चेक कर ले और उस जरूरत के हिसाब से नमक डालें, क्योंकि नमक पहले भी था तो मैं थोड़ा कम निकले या ज्यादा निकले आपसे, तो इसलिए पहले आप चेक करें उसके बाद आपने नमक ऐड ऑन करना है। अब हमारे पास टमाटर है, 4 मिनट टमाटर इसमें डाले हैं। टमाटर की क्वांटिटी इसमें ज्यादा जाती है, क्योंकि टमाटर का टेस्ट करेले और भिंडी इसमें बहुत अच्छा आता है, और इसमें ये ज्यादा जाते हैं प्याज और टमाटर दोनों। तो टमाटर के भी बारीक मैंने स्लाइस काट लिए हैं, और अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम। आप देखिए बहुत अच्छी तरह ये हम इसको मैश करते हुए साथ पका रहे हैं। इसको हमने इतना पकाना है कि ये प्याज के पानी में आराम आराम से करेले जो है हमारे पकते रहे। लेकिन इसमें आपने खास ख्याल ये रखना है कि आपने आग तेज नहीं करनी, आपने लो मीडियम आग पे पूरी इसकी कुकिंग करनी है।
करेले और प्याज की लो मीडियम आग पे जैसे जैसे आप कुक करते हैं इसका आराम आराम से पानी रिलीज होता है, उसी पानी में ये करेला पकता है। तो ये टमाटर के पानी में जब करेला पकता है तो करेले में इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है, और दूसरा ये कि इसकी कड़वाहट साथ साथ जो थोड़ी बहुत रह गई होती है वो भी खत्म होती जाती है। तो बहुत आराम आराम से मैश करते हुए हम इसको पका रहे हैं, और अब आप देखें करेला जो है वो सॉफ्ट हो चुका है, और ये स्टेज है कि करेला हमारा पक चुका है। अगर आपको लगे कि हार्ड है तो आप थोड़ा सा और पका लें, जब तक आपने पकाना है जब तक करेला हमारा सॉफ्ट नहीं हो जाता बस। तो ये हमारा करेला सॉफ्ट हो चुका है, रेसिपी को आप यहीं पे लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। रेसिपी को जब आप लाइक करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है, और कमेंट करते हैं तो हमें आइडिया होता है कि हमारी कोशिश कामयाब हो रही है। और तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ट्राई करने के बाद कि कैसी आपसे ये रेसिपी बनी। और लास्ट में मैंने ये पुदीना डाला है, आप इसमें धनिया भी ऐड कर सकते हैं बट मैंने पुदीना डाला है, मुझे बहुत अच्छा फ्लेवर लगता है पुदीने का। और ये हम बंद कर रहे हैं डिश आउट, आप लुक देखें कितनी अच्छी आई है, और इससे भी अच्छा इसका टेस्ट होगा इंशाल्लाह जब आप इसको ट्राई करेंगे। और जरूर ट्राई करके मुझे कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी जरूर आप दे सकते हैं। रेसिपी को जरूर लाइक करिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और इसके साथ ही आप मैं कहना चाहूंगी कि मैं फेसबुक पे मेरा पेज है देसी खाना बाय होम एंटरटेनर, उसको भी आप फॉलो करिएगा, और इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ होम एंटरटेनर के नाम से ही, और फेसबुक पे भी होम एंटरटेनर देसी खाना बाय होम एंटरटेनर, तो आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हैं। और मेरी वेबसाइट भी है, उस पर भी अगर आप रेसिपी देखना चाहें जहाँ पे आपको रिटेन इंग्रेडिएंट के साथ मिलती है तो वहाँ पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। इसके साथ हमें याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।